हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का वर्ड बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। और इस क्राफ्ट को बनाना बिल्कुल आसान है एंड अपने चैनल पे इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हम एक पेपर रखे हुए हैं। अभी जो हम पेपर रखे हैं, इस पेपर का साइज हमारा स्क्वायर से पेपर है। इस पेपर को क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से ऐसे करके हम हाफ फोल्ड कर लेते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से एक फोल्ड हमको इस प्रकार से ऐसे करते हुए ऊपर वाले पेपर को पकड़ेंगे। इस लाइन को यहाँ पर मिला करके एक फोल्ड और हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। इसको तैयार करने के बाद अब क्या करना है, इस पेपर को ऐसे करके हम पलट देते हैं। पलटने के बाद अब एक फोल्ड हमको यहाँ से हाफ फोल्ड हमको तैयार करना है। ये वाला पॉइंट को हम यहाँ पे लाएंगे एंड एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे करके हम तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। इसको तैयार करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि इस साइड से आपका पेपर कुछ इस प्रकार का अभी नज़र आ रहा है एंड इस साइड से आपका पेपर सिंपल सा ऐसा है, डिजाइन बना हुआ है। तो इधर से आप क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को आप इसके सामने लाएंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके हम पेपर को लाते हैं। लाने के बाद एक फोल्ड यहाँ पे इस प्रकार से तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद अब ये जो हमारा पेपर है, इसको हम इस पार लाते हैं। लाने के बाद यहाँ से एक फोल्ड हम इस प्रकार से ऐसे तैयार कर देते हैं। इस लाइन को इस मिडिल फोल्ड पर हम अच्छे से मिला लेंगे पहले एंड मिलाने के बाद एक फोल्ड हम यहाँ से इस प्रकार से ऐसे हम तैयार कर देते हैं। सेम इसका अपोजिट हमको इधर से भी तैयार करना है। इस प्रकार से हम पेपर को हम फोल्ड हम तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद अब सिंपल सा इस पेपर को ऐसे करके हम हाफ फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हम हाफ फोल्ड अब तैयार किए, वैसे ही क्या है कि ये धीरे धीरे बर्ड के शेप में ये आने लगा है। ये हमारा पंख हो जाएगा, यहाँ पर फेस बनेगा, यहाँ पर पैर बनेगा। तो चलिए हम फेस बना के इसको हम आगे का पार्ट हम कंप्लीट ही कर देते हैं। फेस को जिस एंगल में रखना है, उस एंगल में पहले हम फोल्ड कर लेंगे पेपर को। फोल्ड करने के बाद इस पेपर को ऐसे खोलते हैं एंड जो हम फोल्ड अभी किए थे फेस के लिए, सेम उसी पर क्या करेंगे, इस पेपर को अंदर की तरफ से हम पलट देते हैं। तो क्या होगा, एक खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे फेस बन जाएगा। अब हमारा यहाँ पे पैर बनाना है। तो पैर बनाने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ से ऐसे करते हुए एक फोल्ड आप तैयार करेंगे एंड तैयार करने के बाद इस पार्ट को हमको अंदर की तरफ ऐसे कर देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके उठाएंगे एंड इस पार्ट को हम उसी फोल्ड पे हम अंदर की तरफ हम अच्छे से अरेंज कर देंगे। तो जैसे ही हम अरेंज करेंगे तो ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सेम हम क्या करेंगे, इधर से भी वही टाइप से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से ऐसे करके हम हाफ फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद अब इस पेपर को अंदर की तरफ से अरेंज करना है। तो इसको ऐसे करके उठाएंगे एंड ये पार्ट को हम अंदर की तरफ हम यहाँ से ऐसे करके अरेंज कर देते हैं। इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या है कि हमारा पंख बन गया, फेस बन गया। अब इसका पैर बनाना है। पैर बनाना भी काफ़ी आसान है। यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से एक फोल्ड आप तैयार कर लेंगे। तो इधर का पैर बन गया, फिर इस पेपर को ऐसे पलटेंगे एंड यहाँ से भी सेम उसी टाइप से हम फोल्ड तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि इस बर्ड का हमारा पैर बन चुका है। अब इस पेपर को भी आप चाहेंगे तो आप इसको पलट सकते हैं अंदर की तरफ से। तो इस प्रकार से आपको पेपर को खोलना है एंड जो आप फोल्ड तैयार किए थे उसी फोल्ड पे क्या करना है, इस प्रकार से अंदर की तरफ से इसको पलट लेंगे। तो ये क्या होगा कि बीच में आ जाएगा, अपने आप ये डिज़ाइन बीच में आ जाएगा। तो देखने में काफ़ी ये खूबसूरत लगने लगता है और जब आप इसको कहीं बेस पर रखेंगे तो उस टाइम भी ये क्या होगा कि पूरा बैलेंस ये बना लेता है। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड कर देना है। इसी के साथ क्या है कि ये क्राफ्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब जो भी कुछ कमी है वो ये है कि इसमें आईज बनाने का। तो आईज आपके पास यदि गूगली आईज है तो आप गूगली आईज इसमें चिपका सकते हैं। यदि आपके पास गूगली आईज नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा मार्कर से इस प्रकार से आईज आप ड्रॉ कर देंगे। तो क्या होगा, एक खूबसूरत सा आईज आपका बन जाएगा। और इसी के साथ ये क्राफ्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। देख रहे हैं साइड व्यू कितना खूबसूरत ये लग रहा है, है ना। और इसको जब आप किसी बेस पे ऐसे करके खड़ा करेंगे तो आराम से बेस पे भी ये रुक जाएगा। तो कैमरा को साइड करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं साइड व्यू भी इसका काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि ये अपने पैर पे ये खड़ा है और पैर पे भी ये खड़ा भी है, है ना। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पूरा 3D जैसा है, है ना। तो और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, ना ही इसमें कोई फेविकॉल का ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई कैंची का ज़रूरत है। तो इस प्रकार से क्या है कि 2 से 3-4 मिनट में आपका ये क्राफ्ट आपका बनके भी रेडी हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे और बनाने का भी प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।